नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एसबी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर में ई रिक्शा से आए चोरों ने स्कूल में की चोरी। चौकीदार के जागने से चोर पकड़े गए। आपको बता दें कि पुलिस कोतवाली चांदपुर से 200 मीटर दूर रेलवे क्रॉसिंग के पास डायमंड पब्लिक स्कूल में चोर ई रिक्शा में सवार होकर आए। ई रिक्शा की छत पर चढ़कर स्कूल की दीवार फांद कर स्कूल में दाखिल हो गए तथा स्कूल में खड़ी बच्चों की वैन से बैटरी चोरी करने लगे। बैटरी खोलने में औजारों की आवाज से स्कूल में सो रहे चौकीदारों की नींद खुल गई। चौकीदारों ने शोर मचाया तथा दौड़कर दो चोरों को पकड़ लिया। चौकीदारों व चोरों में मारपीट भी हुई, जिसमें चौकीदार और दोनों अभियुक्त घायल हो गए। उसी समय पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस वहां पहुंची। शोर शराबा सुनकर पुलिस स्कूल में पहुंची। पुलिस ने दो चोरों को चोरी किए गए बैटरी और ई रिक्शा सहित गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने पर दोनों चोरों ने अपने नाम फैजान और शमशेर अली बताए, जो कि ग्राम तोफापुर थाना हल्दौर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फैजान हल्दौर थाने का हिस्ट्री शीटर है। फिलहाल दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। इस दौरान चौकीदार ने जानकारी देते हुए बताया, जी राजाराम, यहाँ ये मैं घर गया था ना हमन करने के लिए, मैं अपने दो आदमी और छोड़ गया था। अच्छा। हाँ, तो वो यहाँ बैठे हुए थे इधर गाड़ी के पास में, तो उन्होंने यहाँ खड़पड़ की आवाज सुनी थोड़ी सी, तो उन्होंने देखा तो वो आदमी उधर दीवार कूद रहे थे पल्ले से। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने उसे भाग कर उनकी मतलब कवर कर लिया। फिर किसे दे दिया उन्हें? फिर मतलब गाड़ी नंबर 100 नंबर को फोन करा 102 को। हाँ। और फिर कोतवाली में फोन करा तो वहाँ पुलिस को दे दिया था। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।